बाद आपके भीतर के अंदर जो एक विक्ट्री का मिजाज है ना, वो सबसे बड़ी तुम्हारी ताकत है। और शायद जो तुम शरीर की परवाह किए बिना, इंजरी हो जाए जो भी हो कर लूंगा, वो उसी का परिणाम है, क्योंकि भीतर एक बहुत बड़ी ऊर्जा भी है और जज्बा भी है। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। उन्नति हुडा का, उन्नति सबसे छोटी है। गुड इवनिंग सर। बताइए उन्नति सर। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ हेयर, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे। और सर मुझे एक चीज बहुत मोटिवेट करती है कि आप कभी भी जो मेडलिस्ट है और जो नॉन मेडलिस्ट है उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। अच्छा, इतनी छोटी आयु में इतने बड़े सीनियर लोगों की टीम में जाना, और तुम्हारी टीम में तो ओलंपिक विजेता भी रहे हैं, तो क्या आपको मन को क्या लग रहा था? ऐसे ही दब जाती थी, नहीं मैं भी बराबर हूँ, क्या लग रहा था? सर इस टूर्नामेंट से बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिला और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और बॉयज की टीम जीती और अच्छा फील भी हुआ, और यूं भी सोचा है कि अगली बार गर्ल्स की टीम को भी जीतना है और मेडल लाना है। अच्छा ये मुझे बताओ, ये हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है जो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रहे हैं? सर पहली बात तो दूध दही का खाना। उन्नति, ये मेरा और पूरे देश का विश्वास है कि आप अपने नाम को जरूर सार्थक करोगी। इतनी छोटी आयु में तुम्हें अवसर मिला है, आप इसको बिगिनिंग मानोगी। बहुत कुछ करना बाकी है, कभी भी चलो यहां हो आए ये जीत के आए ऐसा मन में कभी विजय तो घुसने ही मत देना। बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पास एक लंबा समय तुम्हारे पास है, और बहुत छोटी आयु में तुम्हें अनुभव मिला है, और इसलिए इस सफलता को पचाना और आगे पहुंचना, ये दोनों चीजें तुम्हारे लिए बहुत काम आएगी। और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम इसे करको रहोगी। मेरी तरफ से तुम्हें बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सर। जी ड्रिजा, एज ए यंग प्लेयर इट्स ए हॉनर टू प्ले फॉर इंडिया। द कमिंग इयर्स आई विल मेक प्राउड इंडिया एंड गेट मोर मेडल्स फॉर आवर कंट्री। फैमिली सपोर्ट कैसा रहता है? सर पापा पहले फिजिकल एजुकेशन टीचर था, तो इज ऑलरेडी इन द स्पोर्ट, सो ही सपोर्ट करेगा अच्छा से बैडमिंटन खेलने के लिए। पहले घर पे एक कोर्ट, ही मेड ए कोर्ट देर, देन घर पे खिलाया, इसके बाद ऐसा नेशनल टूर्नामेंट स्टेट वगैरह पे मेडल आया, फिर ऐसा होप हो गया हाँ आ सकते हैं इंडियन टीम पे ऐसा। तो अभी फैमिली क्या सबको संतोष है? हाँ सर। पिताजी तुम्हारे लिए जो मेहनत करते थे? हाँ, नाउ इज सेटिस्फाइड। वाह, देखिए रिजा, आप लोगों ने जिस तरह उबेर कप में खेला, मैं पक्का मानता हूं देश इसे बहुत ही गौरवान्वित है। और आपने अपने लक्ष्य पर बिल्कुल आप लोग टिके रहे, ठीक है आज मनचाहा परिणाम नहीं मिला होगा, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि आप जो चाहते हैं वैसा रिजल्ट मिलने वाला है, और आप ही की टीम को मिलने वाला है। कोई और टीम आएगी और प्रणाम लाएगी ऐसा नहीं, क्योंकि आपने एक अच्छी शुरुआत की है। आपने देश की युवा पीढ़ी को नए उत्साह नई ऊर्जा से भर दिया है। और ये बीते 7 दशक में, यानी 125 करोड़ का देश, इतना इंतजार करना पड़ा, 7 दशक में हमारे खिलाड़ियों की न जाने कितनी पीढ़ियां, जिसने भी बैडमिंटन को समझा होगा उसने सपना देखा होगा, वो सपना आपने पूरा किया है, छोटा नहीं काम है जी। और जब फाइनल मुकाबले में मैंने जैसा कहा है बात की, और मैं महसूस कर रहा था कि आपको अंदाज ही नहीं कि आपने कितना बड़ा काम किया है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं सचमुच में आपने बहुत बड़ा काम किया है।
और अब तो आप भी अनुभव करते रहे होंगे, हाँ यार कुछ करके आए। आप जिन खेलों से जुड़े हुए हो उसमें जब इतनी बड़ी सफलता मिलती है तब भारत का जो स्पोर्ट का इकोसिस्टम है, स्पोर्ट्स के लिए जो कल्चर में एक नई जोम और उत्साह की आवश्यकता है, जो एक आत्मविश्वास की आवश्यकता है, जो अच्छे अच्छे कोच नहीं कर सकते, बड़े बड़े नेता के होनहार भाषण भी नहीं कर सकते, वो काम आपके इस विजय ने करके दिखाया है जी। ये ठीक है उबेर कप में थोड़ा अभी हम और करना बाकी है, इंतजार करेंगे लेकिन जीतने का इंतजाम भी करेंगे। और मुझे विश्वास है कि इंतजार हमें लंबा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप लोग जाकर के आए हैं ना, आपकी आंखों में मुझे वो जज्बा दिखता है और हमारी विमेन टीम ने बार बार ये दिखाया है कि वे कितने अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं, कितने अव्वल दर्जे के एथलीट हैं। और मैं ये बिल्कुल साफ देख रहा हूं दोस्तों, सिर्फ समय की बात है, इस बार नहीं तो अगली बार से ही आप ही लोग विजयी होकर के आने वाले हैं। और जैसा आप सब ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आजादी के 75 साल हो रहे हैं और अपनी आंखों के सामने खेल की दुनिया में भारत का यह उदय, खेल के मैदान से निकला हुआ नौजवान विश्व के मंच पर ताकत दिखा रहा है, तो भारत गर्व से भर जाता है। सफलता की बुलंदी को छूना हर हिंदुस्तानी को गर्व देता है और इसलिए एक नए आत्मविश्वास के साथ भारत का मिजाज है, यस आई कैन डू इट, ये मिजाज है। और जैसे उन्होंने बताया कि भाई मैंने मन में तय कर लिया था इस बार तो हारना नहीं है, पीछे हटना नहीं है, ये जो यस वी कैन डू इट जो है ना, ये भारत में एक नई ताकत बन चुका है और आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, सामने प्रतिद्वंदी कितना ही ताकतवर हो, कॉम्पिटिटर हमारा कितना ही ताकतवर हो,